अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई एआई टूल्स आते जा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग देख लें, इमेजेस के लिए देख लें, वीडियोस के लिए देख लें, ऑडियोस के लिए देख लें, हर बंदा ही इस वक्त परेशान है कि भाई कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मैं रिप्लेस ना हो जाऊं, कहीं एआई टूल्स मेरी जॉब ना खा जाए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा भाई। अगर आप भी ये सोच रहे हैं और आप रिप्लेस नहीं होना चाहते तो भाई ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्किल आप लोगों को सिखाने वाला हूं, आप अगर इसे अपने स्किल सेट के साथ ऐड कर लेते हैं तो भाई इंशाल्लाह आपकी अर्निंग पहले से इंक्रीज हो जाएगी और आपका टाइम जो काम करने में लगता था भाई वो कम हो जाएगा, यानी कि कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकेंगे अगर आज की ये स्किल आप सीख जाते हैं। स्किल क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आइए सीखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई जान आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है और किस तरह से आप लोग अपने स्किल सेट के साथ इस स्किल को ऐड कर सकते हैं और भाई जान कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस फील्ड में एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कंप्लीट रोड मैप भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाईजान व्हाट इज प्रॉम्प्ट। बड़ी बेसिक सी चीज है भाई, ये होता क्या? देखिए आप घर में होते हैं, आपकी अम्मी आपको कहती है शफीक दही ले आ दे, प्रॉम्प्ट है। आप ऑफिस जाते हैं और आपका बॉस आपसे कहता है पुत्र निकल तेरी छुट्टी, प्रॉम्प्ट है। आप घर आते हैं और आपकी बेगम आपको कहती है कि हमजा के पैंपर ला दे, प्रॉम्प्ट है। और आप आगे से कहते हैं मेरी जेब चीते पैसे ही कोई नहीं, तो फिर आपकी बेगम का रिस्पॉन्स यही होना था, मर जाने हो तो तेन क्या सी सोजा, आज तेरे को पैंपरा दे भी पैसे नहीं है। तो इसे कहते हैं जी प्रॉम्प्ट। अब हम चैट जीपीटी में जाकर प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉम्प्ट होता कैसे। हम चैट जीपीटी में आए, लॉग इन कर लिया, मैंने यहाँ पर कहा जी आई वांट टू सेल वॉलेट्स, टेल मी अबाउट द ऑडियंस ऑन फेसबुक एड, कुछ भी लिख दिया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, एक ऑर्डर दे दिया कि भाई ये काम मुझे करके दो, और चैट जीपीटी ने मुझे वहां पर इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी। तो भाई इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। समझ गए ना प्रॉम्प्ट, और ऐसा समझाया इंशाल्लाह कभी आप लोग भूलेंगे नहीं कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स की। नंबर वन टाइप है जी डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, जैसे कि आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि जा शफीक मैंने एक गज लैस ले आ दे, आप गए दुकान पर, गए आपने उसको पैसे दिए और लैस लेकर आ गए, और घर आकर आपकी अम्मी ने आपके ऊपर चिपड़ चिपड़ मारी और आपसे कहा ग्रीन कलर की मेरी कमीज है, मर जाने गुलाबी कलर दी तू लैस ले, तन्नू कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं पता। और आप अगर आगे से ये बोलेंगे अम्मी आपने तो मुझे बताया ही नहीं, भाई फिर दो और लपेड़े पड़ेंगे और उल्टा गलती आप ही की निकलेगी, मैंने तो तुझे कहा था तूने ही नहीं सुना। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी, सर झुका के दोबारा लैस लेने चले जा। तो ये होती है जी डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने चैट जीपीटी से कहा व्हाट इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, और इसने मुझे बता दिया द इंडस रिवर, और आगे उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो मुझे इसने बताना शुरू कर दी। तो ये हो गई जी डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग। दूसरी एग्जांपल होती है प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। फिर से लैस वाले एग्जांपल लेते हैं। इस दफा आपके मैंने कहा ये देख भाई ये व्हाइट कलर की लैस है, डिजाइन यही रखना है लेकिन कलर तूने ब्लैक ले आना है। अब आपको एग्जांपल मिल गई, अब आप भागते दौड़ते जाएंगे और अच्छी सी लैस का टुकड़ा लेकर आएंगे। तो ये होती है प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल हम चैट जीपीटी में भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी राइट द आंसर इन द सेम फॉर्मेट, और मैंने उसको फॉर्मेट दिया और उसने मुझे एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर दे दिया। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। ये आपके बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा डेटा के साथ काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारे सोल्यूशन निकालने हैं या कोई भी डेटा निकालना, तो भाई आप वन बाय वन कमांड दोगे तो आपका तो टाइम वैसे ही निकल जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आपके कम टाइम में ज्यादा पैसे बनने चाहिए, तो आपको प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल देना आना चाहिए कि अगर एक्सेल के अंदर डाटा है या किसी और शीट के अंदर डाटा है और उसी फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए या उसी फॉर्मेट में आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं या किसी और टूल या कोई भी टूल अगर आप यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से आप निकाल सकते। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। अरे यार रुको रुको, अगर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स पसंद आ रहा है तो भाई इसको सबसे पहले एक लाइक कर दो, कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कपड़े बदलकर अपनी शर्ट दिखानी नहीं है, तो अगेन आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको $1000 वैल्यू थीम्स एंड प्लगइन्स मिलने वाले हैं, $500 का वैल्यू पैक वीडियोस मिलने वाली हैं। बताता हूँ कैसे ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। स्टेप नंबर वन, आपने फॉलो करना है hostinger.com/hpaservices, URL आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी URL के थ्रू आना है, इसको रट लो, इसी URL के थ्रू आना है या लिंक पे क्लिक कर ले, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एड टू कार्ड के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। यहां से आने के बाद ये ऑफर अवेलेबल है मिनिमम 1 ईयर 12 months के ऊपर, 1 ईयर 2 ईयर या 4 ईयर होस्टिंग प्लान के ऊपर ये ऑफर आपको मिली है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 ईयर्स के ऊपर भी आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने हैव अ कूपन कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको ये 143 में पड़ रही है, यहाँ पर आप HBA सर्विसेज ओपन अप्लाई करें और ये अब आपकी प्राइस जो है वो 129.17 हो चुकी है। सेम अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं तो देन ये आपको मिल रही है जस्ट $32 के अंदर। और मिलने क्या क्या वाले, नंबर वन एस्ट्रा प्रो थीम फॉर लाइफ टाइम, $227 का ये अकेला थीम है। ना सिर्फ ये जो 677 बंडल के अंदर आपको मिल रहा है ना 180 प्लस प्रीमियम टेम्पलेट्स एस्ट्रा की, भाई ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऑफर के अंदर एड करके देने वाला हूँ। इसके साथ आपको स्कीमा प्रो एसईओ प्लगइन जिसकी वैल्यू है $237 और प्लगइन्स का बादशाह वर्जन कन्वर्ट प्रो जिसकी कॉस्ट है $387, ये भी मैं
इस ऑफर के अंदर आपको ऐड करके देने वाला हूं। और साथ ही साथ ये आपको रील्स मिलने वाली है, आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एंड इन रील्स को रीपर्पस करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, ये देखिए ये लोग अपलोड कर रहे हैं, इनके व्यूज अगर आप देखें, कुछ और अगर मैं आपको अकाउंट्स यहाँ पर रैंडमली ओपन करके दिखा रहा हूँ, इनके व्यूज देखे। ये एक अकाउंट है, इसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और जस्ट ये इन रील्स को अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह आपको रील्स मिलेंगी, एडिट हुई हुई है, कैप्शन ऐड हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, लोगो ऐड करें। और सबसे बेहतर है कि अगर आप उसके अंदर थोड़ी वैल्यू ऐड करें और उसके बाद उनको रीपर्पस करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि ये अकाउंट उठा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने अकाउंट्स के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये रीपर्पसिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ और लास्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कॉन्टेंट क्रिएटर की रील भी अपलोड हुई भी है। सो भाई जल्दी कर ले इससे पहले कि ऑफर एंड हो जाए। hostinger.com/hbsservices इस URL के थ्रू जाएं, होस्टिंग बाय करें और उसकी रिसिप्ट मुझे ईमेल कर दें admin@techandpic.com के ऊपर, और ये सभी चीजें आपको विद इन 24 hours to 48 hours के अंदर डिलीवर हो जाएंगी। तो भाई देर मत कीजिए, अभी नीचे क्लिक करें। और अब बैक टू द वीडियो, कपड़े चेंज करके। तो भाई प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं हमने सीख लिया, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट कौन कौन सी हैं ये भी हमने सीख लिया, लेकिन भाईजान ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर एडवांस प्रॉम्प्टिंग। तो भाईजान इसकी भी एग्जांपल आपके सामने पेश कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप भाईजान किसी गुफा में चले गए, इधर उधर मत जाना, मैं अलादीन की गुफा की बात कर रहा हूँ। आप वहां जाते हैं और वहां पर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है और आप उसको घिसते हैं चिराग को, और वहां से जिनी निकलता है, जिन निकलता है और वो आपसे कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। और अगर आप पाकिस्तानी है तो अनफॉर्चुनेटली आप उस जिनी से कहेंगे यार वे प्रभत तेरी मेहरबानी जो टाउन ना फ्री आटे दी लैन लगी, मैंने एक आटे का थैला लिया दे। तो वो जिनी आपसे कहेगा और तेनु खुदा दा वास्ते अगे 50,000 साल तो मैं इस चिराग से कह दे अगे मेरी हड्डियां रह गई हुन तो मैंने आटे दी थैले दी लैन चलवा दे भाईजन, मेरे को नहीं लगया जांदा होर कोई काम है ते दस। इतना मुश्किल काम है, बहुत दुख की बात है भाईजन कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत आटे के थैले से भी कम होगी। कितनी ज्यादा देखने में आया कि डेथ हो गई, लोग इतना ज्यादा मारे जा रहे हैं और अपनी भाईजन इज्जतें नाउज़ बिल्ला वहां पे हो रही है, लड़ाइयां हो रही है और पता नहीं क्या-क्या कुछ हो रहा है। खुदारा अल्लाह ताला हम सबको दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हमारे हाल पर, हमारे इस मुल्क के हाल पर रहम करे। और भाई हुक्मरानों को कुछ भी कहने से पहले अपने आप को सुधारो, ये भी हम लोगों में से निकले हैं। आज अगर हम सुधर जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे कोई ना कोई हम ही से कोई अच्छा लीडर निकल के आएगा जो ये सारी चीजों को ठीक इंशाल्लाह करना स्टार्ट कर देगा। और भाईजान ये जिंदगी है, यहाँ पर कोई हीरो नहीं होता, इंसान ही होते हैं और चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है। तो ये कोई हीरो नहीं आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चीजों को टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन उसकी शुरुआत आज से इनफरादी तौर पर हम सबको करनी है। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब ये तो था एक बेसिक प्रॉम्प्ट, आप वो देखे ना जिनी आपके लिए क्या कुछ कर सकता था और आपने उसे क्या मांगा, एक आटे का थैला। अब बात करते हैं भाई एडवांस प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। अगेन चिराग घिसा, जिनी निकला, आपसे बोलता है जी क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन इस दफा क्योंकि आप बासित भाई की ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली वीडियो देखकर आए थे तो आपने उसे कहा जिनी देख तू बड़ा टॉप का बंदा है, मास्टर आदमी है, तू हर काम कर सकता है, तू भाई कोई स्कीम लगा और मेरे लिए पूरी की पूरी आटे की मिल तैयार कर दे और ऐसा जुगाड़ लगा के भाई मेरी कनक भी उग रही हो, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस चल रहा हूं, मुझे कुछ ना करना पड़ा, जा मेरा भाई कोई जुगाड़ लगा के। वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका वो जाएगा। अब उसकी सिर पीड़ा भाई, वो जीनी है, वो जाए जो मर्जी करे, वो जाके जमीन को दे, बीज बोए, पानी लगाए, जो मर्जी करे, मिल लगाए, लेकिन आपका काम वो आपको करके देगा क्योंकि अब आपने उसके एक्चुअल पोटेंशियल को यूज करते हुए उससे काम करवाया। अब इससे आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन भाईजन एग्जांपल समझ गए होंगे कि एडवांस प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। लो भाईजन नहीं समझ आई, भाई एक और एग्जांपल पकड़ो। मिसाल के तौर पे आपके मामू ने आपसे कहा जा मामा दही भले लेके आ, आप गए दही भले लिए और जिस तरह बनाते हैं ठीक है, आप जाके 100 रुपए के दही भले लेकर आ गए। जब आप वापस आते हैं तो आपके मामू जान आपसे कहते हैं यार ये क्या तू करके आ गया, ऐसे नहीं लाते। तो वो पहले थी बेसिक प्रॉम्प्ट, अब वो आपको दे रहे हैं एडवांस प्रॉम्प्ट। एडवांस प्रॉम्प्ट क्या है, ये पकड़ 100 रुपए, तूने वहां पर जाना है, सबसे पहले तूने मीठी नहीं डलवानी, उसके बाद तूने भल्ला नहीं डलवाना और उसे कहना है 50-50 के दो जगह पे दही बल्ले लेके आ। ये हो गई जी एडवांस प्रॉम्प्टिंग। पहले भी प्रॉम्प्ट ही था, रिजल्ट वही था कि दही बल्ले चाहिए, लेकिन इस दफा आपको एडवांस प्रॉम्प्ट दिया गया, इस क्वालिटी के साथ आपने दही बल्ले लेके आने, कमाल होगी। तो होप्स हो कि आपको एडवांस प्रॉम्प्टिंग समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एडवांस प्रॉम्प्टिंग होती क्या है। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगेन वही फेसबुक एड्स वाले एग्जांपल में जाते हैं जहां पर मैंने उसको बोला भाई मैं पर्स बेचना चाहता हूं और मुझे उसके बारे में टारगेट ऑडियंस बता दे, तो उसमें मुझे ये एक पैराग्राफ और एक जनरल इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दे दी। बट व्हाट इफ, अब हम यूज करेंगे एडवांस प्रॉम्प्टिंग। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने इसे कहा इग्नोर प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर इसने मुझे कहा श्योर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब ये पीछे जो मैंने इसको बातें की वो सारी इसने इग्नोर कर दी। ये भी एडवांस प्रॉम्प्टिंग का एक पार्ट है, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन पीछे से डाटा नहीं चाहिए भाई उसको स्टॉप लगाओ, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगेन मैं वॉलेट ही बेच रहा हूँ लेकिन इस दफा मेरी प्रॉम्प्ट क्या होगी जरा गौर कीजिएगा। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर तो भाई इसने मुझसे सवालों के अंबार लगा दिए। ये क्या हो रहा है, AI मुझसे सवाल पूछ रहा है। आपने आज तक जितनी भी बार प्रॉम्प्टिंग की होगी ऐसा शादो नादर ही हुआ होगा कि उसने आपसे पलट के
को सवाल पूछा, डायरेक्ट उसने आपको आंसर दिया। देखिए ये है डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और ये जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एडवांस प्रॉम्प्टिंग। देखिए इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसको बताया कि भाई आप एक एक्सपर्ट है और आपका इतने इंडस्ट्री के एक मार्केट का एक्सपीरियंस है, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उसको सबसे पहले एक रोल दे दिया कि भाई आप एक एक्सपर्ट बंदे हो, आपका ये रोल है, मुझे आपसे ये डिजायर्ड एक रिजल्ट चाहिए, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस, हैव यू रन फेसबुक एड बिफोर, और ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हैं। अब मैं इन सभी के वन बाय वन इसको आंसर देता हूं और देखते हैं फिर मुझे कितना अच्छा आंसर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए इसने मुझसे जो सवाल पूछे मैंने उसका आंसर इसको यहाँ पर दे दिया और अब आप ये देखें कि ये मुझे कितना डिटेल्ड आंसर दे रहा है। ये जो पहला सबसे पहले आप देखिएगा कि जो एग्जांपल है वो यहाँ पे आके खत्म होगी, एक बहुत जनरल सा आंसर था जो कि सबको यही मिलता है, लेकिन मैं अब इससे स्पेसिफिक पूछता जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमारा प्रॉम्प्ट स्टार्ट हुआ और अभी तक ये डिस्कशन चलती जा रही है और ये यहाँ पर लिखता जा रहा है, बताता जा रहा है। अब अगर आप इसका आंसर देखें, टारगेटिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू आर सेल मेंस वॉलेट यू शुड टारगेट मेन प्राइमरली, हाउएवर वुमेन मे आल्सो बी इंटरेस्टेड इन बाइंग wallets for men, so you can also target women. You can refine your targeting further by selecting interests and behaviors that are relevant to your target audience, such as fashion, travel, and luxury goods. ये देख रहे हैं? Interest भी बहुत detail में निकाल कर दिया। उसने मुझे कहा कि आप primarily men को target करें, but women को भी आप target करें क्योंकि वो men के लिए buy कर सकती है। For example, अपने husband के लिए कोई buy कर सकता है, अपने भाई के लिए, women भी shopping कर सकती हैं। उसके अलावा उसने मुझे ad creative के लिए बताया। मैंने उसे बताया कि मेरा primary goal ROI, return on investment increase करना है। 10 रुपए लगा रहा हूँ भाई, 20 कमाऊँ, 30 कमाऊँ, profit होना चाहिए। मेरा भी ad spend negative जा रहा है, ROI मेरा negative जा रहा है। तो उसने मुझे क्या कहा कि आप अपने ad creative के ऊपर काम करें। You should create compelling and creative that will attract the attention of your target audience. Use high quality images and videos. और इसके बाद ये उसने मुझे यहाँ पर example दिया कि ad copy के ऊपर उसने मुझे example दी किस तरह की होनी चाहिए। Landing page उसने कहा आपका ROI improve होना। यहाँ पर मुझे बताओ कहाँ landing page और इन सब चीजों की बात हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा ना। उसने देखा मुझे ad copy, ad creative, landing page उसकी भी example दी। फिर उसने मुझे testing के बारे में बताया। फिर उसने मुझे कहा budget, what with the daily budget $50 you can start by creating a few ad sets with different टारगेटिंग ऑप्शंस, यानी कि वो मुझे टेस्टिंग भी बता रहा है और टेस्टिंग बजट के साथ कैसे करनी है वो भी मुझे बता रहा है। अब मैं यहाँ पर इसके इससे पूछ सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे एड क्रिएटिव्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूछूँ यार व्हाट काइंड ऑफ एड। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं मैं उससे किस तरह से प्रॉम्प्टिंग के जरिए मेरा मेंस वॉलेट है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अब उससे प्रॉम्प्ट लेता जा रहा हूँ। अगेन एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन खत्म होगी, बहुत ही जनरल है और यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखें इतना ज्यादा डाटा यहाँ पर अब हम निकलवा चुके हैं। भाई गेम यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर के ज्यादा एक्यूरेट डाटा आप निकाल सकें। देखिए यही चैट जीपीटी था जिसने आपको पहले एक पैराग्राफ में एग्जांपल दिया, अब यही चैट जीपीटी है जिसका आंसर दो पेजेस से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट है, बट प्रॉम्प्ट देने का, वो जो जीनी को रगड़ने के बाद एक आटे के थैली ला कर देना या उससे पूरी की पूरी मिल लगवा लेना, ये आपके हाथ। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब अच्छा लग रहा है ना यहाँ तक भाई, लाइक बनता है, लाइक ठोको, शेयर करो, लोगों को बताओ भाई सीखो ये स्किल, प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, एंड लगे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको तीन चीजें क्लियर होना जरूरी है, ये तीन चीजें आपके पास होना जरूरी है। नंबर वन, क्लियर गोल के भाई आपको चाहिए क्या है। अगर आप इमेज डिजाइन करवा रहे हैं AI से, तो आपके दिमाग में वो इमेज पहले से होनी चाहिए कि भाई मुझे इससे क्या बनवाना है। वीडियो बनवा रहे हो तो उसका गोल, वो क्लियर इमेज आपके पास होनी चाहिए। ऑडियो ले रहे हो, कंटेंट लिखवा रहे हो, कोई डाटा के ऊपर स्टडी कर रहे हो, कोई कोड लिखवा रहे हो, कोई एरर फिक्स करवा रहे हो, लेकिन आपको पहले से पता हो कि भाई मुझे चाहिए क्या। नहीं तो आप वही बेसिक प्रॉम्प्ट देते रहोगे कि भाई मुझे ये लिख के दे दे, भाई मुझे ये बना के दे दे, मुझे खुद नहीं कुछ पता, जो तेरी समझ में आ रहा है तो बना के दे दे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको इसी तरह देखना है कि देखिए क्लाइंट के दिमाग में क्या चीज है, एज अ डिजाइनर आप उसको समझते हैं और फिर बनाते हैं। इसी तरह आपके दिमाग में क्या चीज है, आपने इससे बनवानी है खुद, उसके लिए आपका क्लियर गोल होना जरूरी है। नंबर टू, आप AI को रोल डिफाइन करेंगे, उसे रोल देंगे कि भाई देख ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम इतना एक्सपर्ट हो, तुम्हें ये पता है, ये तुम्हारा रोल है, मुझे ये काम कर दो और उसके लिए तुम्हें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पर बैठा, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते। ये इसी तरह ही है कि आप चैट जीपीटी या किसी भी AI को समझेंगे, वो आपके लिए एक फ्रीलांसर बन चुका है। आपके दिमाग में एक काम है जो आपको करवाना है, अब आप जिस तरह एक फ्रीलांसर को गाइड करते हैं, आप इसको गाइड करें तो यार ये आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाके दे सकते। तो आपने उसको प्रॉपर रोल देना है और फिर आपने उसको डाटा देना है, पूरा गाइड करना है। एंड नंबर थ्री इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग ये आपके पास होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन मुझे AI से कैसे निकलवाना है, मुझे मे बी अपना प्रॉम्प्ट चेंज करने की जरूरत है, मुझे उसको चेंज करना होगा, मे बी मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है तो वो भी मुझे प्रोवाइड करनी होगी। अब देखिए पहले आपने एक लाइन में प्रॉम्प्ट लिखा, उसका रिजल्ट आपको कितना है, फिर मैंने आपके सामने तीन से चार लाइनों में प्रॉम्प्ट दिया तो उसका रिजल्ट
मुझे कितना ज्यादा आ गया, 3 लाइनें ऐड करने से मेरे रिजल्ट्स टोटली चेंज हो गए। अब मैं अगर इन स्ट्रेटजीज को और भी ज्यादा डिफाइन करता जाऊं तो भाई यहां पर बड़े आराम से मैं 10 पेजेस का इससे निकलवा लूं, 20 पेजेस का डाटा निकलवा लूं और फिर उसको स्टडी करके जब मैं अपने एड्स में उसको यूज करूंगा तो सोचे कितना ज्यादा एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे फायदा हो सकता है। और मैं सबसे मजे की बात, मैं फ्री चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं, मैंने अभी पेड वाला भी नहीं किया, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों को लेकर आऊंगा क्योंकि पेड के मजे बड़े मजे हैं जो आप GPT-4 में जाते हैं, लेकिन उसको भी फ्री में यूज करने की जुगाड़ा, खैर वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं जरूर सिखाऊंगा, वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। अगर आपने कमेंट में प्यार दिखाया और भर भर के इस वीडियो को शेयर किया तो भाई इसकी एडवांस मजीद सीरीज भी आती जाएंगी। सो अब अगर आप एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं और इस स्किल को मजीद सीखना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा रोड मैप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 1 भाई जान, आपको क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप वो बंदे हैं कि भाई कोई मुसीबत आ गई तो आप बस परेशान होकर बैठ गए भाई मैं तो फंस गया, तो भाई ये फिर क्रिटिकल थिंकिंग में आप नहीं आते, लेकिन आप इसे सीख सकते हैं। आपने सबसे पहले तो भाई अपने एटीट्यूड पे काम करना है, कोई प्रॉब्लम आती है आपने उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी, ये नहीं प्रॉब्लम आई परेशान होकर नहीं बैठना बल्कि सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, यहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब की वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें और अपने अंदर आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस ये पूरी एक फील्ड है, आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। देखिए क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा डेटा देता है, उसने आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसको विजुलाइज भी तो करना है, उस डेटा को एनालाइज भी तो करना है, उसका कुछ ना कुछ निकाल के दिखाना भी तो है ना, कोई रिजल्ट शो करना है, कोई चार्ट, कोई ग्राफ कुछ तो दिखाना है। तो आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन में भी जा सकते हैं, आप और ज्यादा एडवांस जाना चाहते हो तो भाई डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं। नंबर 3, लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिकमेंडेड इज पाइथन। पाइथन बहुत ज्यादा ईजी है सीखना और बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर भाई यूज भी की जा रही है, सीखना भी आसान है, यूजेज भी बहुत ज्यादा। अकेली पाइथन भी एक अपने आप में एक स्किल है, डेटा एनालिस्ट अपने आप में एक स्किल है, डेटा विजुलाइजेशन अपने आप में एक स्किल है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक स्किल है, लेकिन आप इन सभी स्किल्स को मर्ज कर देते हैं तो भाई आप एक बहुत तगड़े बंदे बन सकते हैं और आप इसे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और अगर आप इन सभी स्किल्स को अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ मर्ज कर देते हैं तो भाई ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बनेगा। और आप अगर कहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो भाई US में या बाहर कहीं भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, मतलब सालाना पैकेज $1-2 लाख तो कहीं भी नहीं गया, पाकिस्तानी मिनिमम भी देखा जाए ना $1 लाख तो 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है एक साल का, इतना ज्यादा इसके अंदर स्कोप है आगे। तो आई होप सो यार आज की वीडियो आप लोग को जरूर जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे भर भर के लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाजमी शेयर आपने जरूर करना ताकि हमारी ये आवाम जो है ना वो इस तरफ इन स्किल्स की तरफ आए, इन चीजों को सीखे, बस वो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट देकर डाटा उठाया कॉपी किया और इन सब कामों से निकले, थोड़ा एडवांस चीजें हम लोग सीखे और आगे बढ़े। मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, जो चीज मैंने सीखी मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश और बहुत आसान एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश, आई होप सो ये चीजें जरूर जरूर समझ आई होंगी। बाकी अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मास्टर क्लास बाय HP सर्विसेज, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर जाएं, प्रीमियम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, सीखें और कमाएं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।